4.3 का टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जो मिक्स फॉर्म में लिखे हुए, मतलब उसमें वाई और एक्स अलग नहीं है बल्कि वो दोनों एक साथ लिखे हुए। तो जरा एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों की बुक से ले लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि सवाल कितने लंबे थे और इस वजह से कितने छोटे हो गए। तो ये बहुत ही मशहूर ज़माना ट्रिक है, आपको बहुत जगह ये मिल जाएगी जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। लेट कर लो एक फंक्शन इस टाइप का लिखा हुआ है, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता दूंगा, नीचे एग्जांपल लेते हैं। दानियल आपका माइक्रोफोन ऑन है यार, ये मिस्टेक नहीं आप लोगों से होनी चाहिए, पहली दफा थोड़ी ना क्लास ले रहे। ये फंक्शन लिखा हुआ है, अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखो तो इसमें x और y मिक्स फॉर्म में है, और आपके लिए इनको नॉर्मल तरीके से अलग करना भी काफ़ी मुश्किल है। अगर आप y कॉमन ले लो, हाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप x अलग भी नहीं कर सकते यहाँ से। तो इनको आप बोलते हो इम्प्लिसिट फंक्शन, जिनकी जनरल फॉर्म ये होती है f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू जीरो, मतलब इसमें x और y इक्वेशन के एक तरफ है और दूसरी तरफ जीरो के बराबर है, ठीक है। तो किस तरीके से हमें डिफरेंशिएट करना है, इसका फॉर्मूला बस आपने वो याद रखना है। उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लेवल पे, लेकिन ये प्योर आप इंजीनियरिंग जब स्टार्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ नहीं आएगा, बाद में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। बहरहाल जब पार्शियल डिफरेंशिएशन एक टॉपिक होता है, आप लोग जो कर रहे हो ना, सॉरी जो कर रहे हो, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होते हैं, एक पार्शियल डेरिवेटिव्स भी होते हैं, तो उनका टॉपिक है ये, लेकिन अभी से समझ लो तो बेहतर है। यार ये जो BTS वाला बंदा है, इसका फिर माइक्रोफोन ऑन है, अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, आप लोग ने इस चीज़ का ख्याल अगर नहीं रखना तो रिमूव हो जाओगे, फिर दोबारा ऐड नहीं होगे। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जो मैंने आप लोगों से डिमांड की हुई है माइक्रोफोन बंद करने की। कंसंट्रेशन हट जाती है यार, अजीब तुम लोग को समझ नहीं आता मुझे। आप पैसे लेना जाके, सर इम्प्लिसिट वाले ट्रिक भी बोर्ड में नहीं कर सकते? नहीं यार, ये ट्रिक नहीं हो सकती, एक एक दो दो स्टेप की हैं। आपका सवाल ढाई नंबर के अंदर आ रहा है, आप दो स्टेप में सॉल्व कर रहे हो उसको, वो ये बना देगा निशान पूरा, ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, गलती भी नहीं करना ये करने की। फॉर्मूला जरा मैं आप लोगों को बाद में समझाता हूँ, मतलब फॉर्मूला मैं करके बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले आपकी सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे जीरो होना चाहिए, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे माइनस भी आता है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? आपने ऊपर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन वाई को आपने कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करने का मतलब, अगर आपके पास y लिखा हुआ है, मतलब इस तरह फंक्शन लिखा हो y क्यूब प्लस एक्स, तो अब y क्यूब का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब ये समझ लो y कांस्टेंट है, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 का डेरिवेटिव जीरो कर देते, तो वही y क्यूब का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और अगर y x से मल्टीप्लाई लिखा होगा इस तरह, तो जैसे आप 2x को डिफरेंशिएट करते हो, 2x को कैसे डिफरेंशिएट करते हो, 2 को साइड पे और x का डेरिवेटिव लेते हो, ठीक है। इसी तरह वाई एक्स में वाई को साइड पे कर दोगे, एक्स का डेरिवेटिव ले लोगे। तो जो आप टू के साथ हरकत कर रहे होते हो ना, वही आपने वाई के साथ करनी है, ये मतलब है वाई एज अ कांस्टेंट। तो आपने खुद देखना है कि आप टू को किस तरह डिफरेंशिएट करते हो। अगर आपके टू को डिफरेंशिएट करने के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं कि टू इस तरह आ रहा है या टू मल्टीप्लाई की तरह आ रहा है, तो इसका मतलब आप ये भी समझ जाओगे पूरा। तो सबसे पहले आप माइनस साइन लगा दो, उसके बाद ऊपर आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब y को आपने कांस्टेंट ट्रीट किया तो y क्यूब का डेरिवेटिव जीरो। अच्छा अगर आप इसमें देखो तो 3a और y ये सारे कांस्टेंट हैं, एज अ कोफिशिएंट आए हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल से, तो इनको आप साइड पे कर दो 3a y को।
और फिर क्या बचेगा, x, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। डिवीजन में आ जाओ, डिवीजन में आपने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब y क्यूब का डेरिवेटिव 3y2। जैसे आप विद रिस्पेक्ट टू x करते हुए आ रहे थे ना, विद रिस्पेक्ट टू y करना है। ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, अब x कांस्टेंट है तो इसका मतलब x क्यूब का डेरिवेटिव 0 और y क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3y2। अब यहाँ पे dy अपॉन dx की टर्म नहीं आएगी, जो हम y को डिफरेंशिएट करते हुए नॉर्मली लिखते हैं ना dy अपॉन dx, वो यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो वो 1 हो जाएगी टर्म, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो y क्यूब का डेरिवेटिव 3y2 ही आ जाएगा। और फिर अगर आप इसमें देखो 3ax, ये तीनों चीज़ें कॉन्स्टेंट है, एज अ कोफिशेंट आप इनको साइड पर कर दो और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 के बराबर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर दो, 3x² प्लस 3ay डिवाइडेड बाय 3y² प्लस 3ax। अब जरा सवाल देख लेना, ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है 4.3 का, इसके स्टेप कितने ज़्यादा थे और आपने एक से दो स्टेप में इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। मैं एक दो और भी एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को ये मेथड क्लियर हो जाए। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छा मेथड है जो आपको काफ़ी जगह पर काम आएगा। अच्छा, ज़्यादा मुश्किल भी ना हो जाए, 7, 8, 9 आप इस ट्रिक से भी करोगे तो फंक्शन तो मुश्किल ही है ना, रूट को डिफरेंशिएट करना इजी है क्या, तो इतने मुश्किल फंक्शन में नहीं आते। कोई इजी वाला हम लेट कर लेते हैं, मैं अपना बना लेता हूँ कोई। लेट कर लो, आपके पास आ जाए एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई स्क्वायर, नहीं मुश्किल हो जाएगा, वाई कर लेते हैं, ई की पावर वाई प्लस साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें तकरीबन अलजबरिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक सभी फंक्शन मैंने डाले हुए हैं इसके अंदर। अब ज़रा देखते हैं, अब मिक्स फॉर्म में लिखे हैं मैं, एक्स और वाई देखो मिक्स हैं, अलग करना पॉसिबल नहीं है, तो अब आप इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करो। फॉर्मूले में माइनस साइन बाय बिल्टन है, वो आपने लगा दिया। अब आपने ऊपर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई कॉन्स्टेंट है तो अगर वाई कॉन्स्टेंट है उसको साइड पर कर दो, एक्स का डेरिवेटिव 1। अच्छा, e की पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के बराबर। ये वही बात है, अगर आपके पास लिखा है e का स्क्वायर, अब e का स्क्वायर एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, इसी तरह e की पावर y भी क्या है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा। अब यहां पे साइन फंक्शन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट किस तरह करते हो, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, जो इसका एंगल है वही इसका आ जाएगा, उसके बाद आप एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हो। एंगल में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई, अगेन एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे लोगे, वाई को साइड पे करोगे और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, जैसे आपने इधर एक्स वाई को डिफरेंशिएट किया था, तो सेम इसके एंगल को भी इसी तरह डिफरेंशिएट कर दोगे। और एंड पे आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अब आप डिनोमिनेटर पे आ जाओ, डिनोमिनेटर में आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, ठीक है, तो अब एक्स कॉन्स्टेंट है तो आप एक्स को साइड पे करो, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अच्छा, e की पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा, ये वही बात है, अगर मैं आपसे बोलूं e की पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, इसी तरह e की पावर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y e की पावर y हो जाएगा। जैसे आप e की पावर x का लेते थे उसी तरह आप e की पावर y का लोगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू x लेते थे, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू y लिया, तो वही चीज आएगी पूरी। फिर साइन पे आ जाओ, साइन का डेरिवेटिव कॉस और फिर एंगल का डेरिवेटिव लो, एक्स वाई का डेरिवेटिव आपने देख लिया अभी एक्स के बराबर आएगा, और एंड पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो अगेन सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये हो जाएगा वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई प्लस 2x, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, x प्लस ई की पावर y x cos एक्स वाई। ये मैंने बहुत ही मुश्किल एग्जांपल दी है, इतनी मुश्किल खासतौर पे NAD के MCQs में आती भी नहीं है, वो इजी टाइप की देते हैं आपको, ठीक है, लेकिन ये डिस्कस करने का मतलब इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर साइन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे उसको। क्लियर है बात यहाँ तक, कुछ सवाल नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा, इम्प्लिसिट को इसी तरह डिफरेंशिएट करते हैं। मैं एक और सवाल करवा रहा हूँ, उसमें शुरू में मसला होता है। ये भी सवाल मैंने कम ही देखा है एनडी में, लेकिन शायद आया हुआ पास पेपर्स में। एक दफ़ा मैं करवा देता हूँ ये। इसमें ये होता है कि शुरू में आपका फंक्शन में मसला है कुछ। मसला वही है कि आपके फंक्शन में वही एक्स की पावर एक्स इस टाइप का कोई लिखा हुआ है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर आखिरी है 4.3 का, और वो है y की पावर x मल्टीप्लाई एक्स की पावर y इक्वल टू 1। अब है तो ये इम्प्लिसिट क्योंकि x और y मिक्स फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन करोगे किस तरह डिफरेंशिएट? कोई स्टूडेंट कहते हैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, इसको u ले लो उसको v ले लो। बात तो सही है, लेकिन प्रोडक्ट रूल में क्या करते हो? v को करते हो साइड पे, u का डेरिवेटिव लेते हो। अब u यहाँ पे क्या है, वाई की पावर एक्स, क्या रूल लगाओगे? फंस जाओगे। और इसमें वो ln वाला भी नहीं काम कर सकता। ln y वाला उस वक्त काम करता जब आपके पास जस्ट y की पावर x को डिफरेंशिएट करना होता, तब आप काम कर सकता था ये, तब भी आपको काफ़ी मसला होता। अभी आप कर ही नहीं सकते इस पर, तो यहाँ पे आप फंस जाते हो, आप नॉर्मल तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते। तो अगर आपने सवाल, आपको याद हो ये एक्सरसाइज में भी हमने किया हुआ, ऑब्वियसली ये सिलेबस के अंदर है, तो इसमें हम ये काम करते थे फिर कि हम दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लिया मैंने। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप दोनों को ऐड कर देते हो। ln 1 जीरो होता है, कोई नंबर भी आ जाए मैटर नहीं करता, लेट कर लो 10 कर देते हैं इसको। ln 10 2.31 होता है। अब ये पावर मौजूद है ना, पावर पहले आ गई, इसी तरह y पावर मौजूद है पहले आ गई, और यहाँ पे 2.31 इसको भी दे ले आओ इक्वल टू जीरो। अब आपका फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर आप नॉर्मल तरीके से भी डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इस पर भी लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इजी होगा, ln y को भी डिफरेंशिएट करना आता है, x को भी डिफरेंशिएट करना आता है, तो आपके लिए मसला नहीं होगा। तो इस स्टेप के बाद वही नॉर्मल तरीका है जो इम्प्लिसिट का होता है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो और आप इस पर ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। मैं ट्रिक अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप नेगेटिव लगाते हो, ऊपर आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट इसका मतलब ln y कांस्टेंट, साइड पे कर दो, x का डेरिवेटिव 1 होता है। फिर इसमें अगर आप गौर करो तो y कांस्टेंट है तो y को साइड पे किया मैंने, ln x का डेरिवेटिव लो, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। डिनोमिनेटर में आपने विद रिस्पेक्ट टू y करना है लेकिन x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है तो साइड पे कर दो, ln y का डेरिवेटिव 1/y। इसी तरह इस टर्म में देखो, अगर x कांस्टेंट है तो ln x भी कांस्टेंट होगा, तो मैंने साइड पे कर दिया, और y का डेरिवेटिव लो, y का डेरिवेटिव 1 है, और -2.31 तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो बस सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा माइनस ln y प्लस y अपॉन x, और नीचे हो जाएगा x अपॉन y प्लस ln x, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें आप लॉग लेके सॉल्व करते हो और आपके पास आंसर आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई सवाल किसी का? स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर नंबर 4 की आखिरी एक्सरसाइज रहेगी और बहुत इजी एक्सरसाइज है, पैरामेट्रिक फंक्शंस वाली, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस के आपने डेरिवेटिव लेने हैं। तो पैरामेट्रिक फंक्शन मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ऐसे फंक्शंस जिसमें एक्स और वाई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे बल्कि तीसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो कंसीडर कर लो भाई, एक्स फंक्शन जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई जो है वो भी टी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर इस टाइप के आपके पास दो लिखे हुए हों तो आप, और अगर आपको बोला जाए कि आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल इसका फॉर्मूला होता है कि ऊपर आप डिफरेंशिएट करोगे y को विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब ये जो y फंक्शन है ना, इसको आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, उसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हो जिसकी फॉर्म में फंक्शन होता है।
अब नॉर्मली आपने देखा है आपके पास फंक्शन एक्स की फॉर्म में होता था, तो आप एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ पे टी की फॉर्म में तो आप टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो और सॉरी डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आप एक्स को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी। ये इसका फॉर्मूला है, मे बी आपको अभी समझ ना आया हो, मैं ज़रा एग्जाम्पल देता हूँ आपको मामला क्लियर हो जाएगा। लेट कर लो आपके पास आ रहे हैं एक्स बराबर है एल एन टी के और y बराबर है साइन इनवर्स t, बस इतना ही कर लेते हैं। और आपको सवाल में बोला जाए कि आप डेरिवेटिव निकालो, dy अपॉन dx निकालो, तो किस तरह निकालोगे? सबसे पहले आपने y को डिफरेंशिएट करना है, y को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस जो उसके बाद आ रहा है उसका स्क्वायर करो और फिर मल्टीप्लाई करवाते हो उसके डेरिवेटिव से। टी का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू टी लोगे तो वो वन के बराबर होगा, लिखो ना लिखो बात एक है। उसके बाद आप एक्स को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एल एन टी का डेरिवेटिव क्या होगा? एल एन के बाद जो भी चीज़ आ रही है डिनोमिनेटर में लिखो, फिर आप उसका ऊपर डेरिवेटिव लो, अगेन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वन हो जाएगा, लिखो या ना लिखो बात एक ही है। जब ये दोनों आप मालूम कर लो तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या कहता है? y का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव आया है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और x का डेरिवेटिव आया है 1 अपॉन टी। तो चाहो तो सिंपलीफाई इस तरह कर सकते हो कि ये t जो है ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये इस तरह हो जाएगा, t ऊपर चला गया और रूट 1 माइनस टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये सिंपल इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि अगर पैरामेट्रिक फंक्शन है तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे। मैं कोई एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि मामला क्लियर हो जाए दोबारा। थोड़ी मुश्किल वाली एग्जांपल लेते हैं। लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू साइन टी क्यूब प्लस कॉस टी क्यूब और वाई बराबर है साइन टी प्लस टू कॉस इनवर्स टी। तो वही कॉन्सेप्ट है, आप करो भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, जैसे वाई है ना टी की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो टी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करो। साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? मैंने बताया था कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव वही है जो साइन इनवर्स का है। साइन इनवर्स का क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस कि टी लिखा हुआ है तो टी का स्क्वायर। बस कॉस इनवर्स में आप करते क्या हो, माइनस लगा देते हो। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सेम है, बस कॉस इनवर्स से माइनस आ जाता है, तो मैंने वन के साथ माइनस लगा दिया यहाँ पे ऊपर, ठीक है। इसी तरह आप एक्स का डेरिवेटिव ले लो, मैं नीचे ले लेता हूँ एक्स का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्यूब जो है ये पूरे फंक्शन के ऊपर नहीं है, तो इसलिए आप पावर रूल नहीं लगा सकते। ये हरकत नहीं करना कि थ्री को पहले ले आना और फिर टू लिख देना, ये टोटली गलत हो जाएगा। ये थ्री जो है ये एंगल के ऊपर पावर है, पूरे फंक्शन के ऊपर पावर होती है तब आप पावर रूल लगाते हैं। तो आप क्या करो, ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, और फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लो। एंगल टी क्यूब है, टी क्यूब का डेरिवेटिव थ्री टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और टी क्यूब का डेरिवेटिव थ्री टी स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पे 3t स्क्वायर कॉमन ले लो, cos t माइनस साइन t आ जाएगा। बस सही फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx का, y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव आया cos इन cos t माइनस टू स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और x का डेरिवेटिव आया 3t स्क्वायर cos t माइनस साइन t। बस यही है, पैरामेट्रिक फंक्शन को आप इसी तरीके से डिफरेंशिएट करते हो। कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, पैरामीट्रिक का ही टॉपिक है लेकिन अब पैरामीट्रिक से हम करेंगे नहीं इसको। मैं दो एग्जांपल बता दूं, ये आपको एग्जांपल ज़्यादातर नज़र आएंगे एमसीक्यूज में, लेकिन ये करते इसकी जो ट्रिक है ना उस ट्रिक की बेसिस यही है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, लेकिन उसमें आपको ज़रूरत नहीं है सब फॉर्मेलिटीज़ करने की। बड़ा मशहूर सवाल है
आपके पास आया है कि डिफरेंशिएट करो x की पावर 9 को, यहां तक बात तो बड़ी इजी है, x की पावर 9 का डेरिवेटिव हो जाता 9x की पावर 8, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू x होता है, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है, यहां पे बोल रहे विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। अब क्या होगा, x की पावर 9 का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। ये पैरामेट्रिक टाइप के क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट करने का तरीका ये है, डायरेक्ट तरीके से आप कैसे निकाल लोगे, y नहीं लिखा हुआ तो छोड़ दो, डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि x की पावर 9 आप, अच्छा अगर आपने x की पावर 9 का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, तो आप क्या करो, न्यूमरेटर में आप डेरिवेटिव ले लो x की पावर 9 का विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे नॉर्मल तरीके से आप लेते हुए आ रहे हो 9x की पावर 8 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आप x क्यूब का डेरिवेटिव ले लो। इन सवालों का आप इस तरह सॉल्व करते हो, ऊपर आप इसका डेरिवेटिव ले लो, डिनोमिनेटर में आप इसका डेरिवेटिव ले लो, तो सॉल्व करो ये हो जाएगा 9/3 होता है 3 के बराबर, x की पावर 8 डिवाइड बाय x स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर 6, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल भी कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लो अगर वो आपको बोले डिफरेंशिएट करो साइन x को, बड़ा इजी सवाल है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू cos x, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x अगर विद रिस्पेक्ट टू x आप करते थे, लेकिन यहां पे तो विद रिस्पेक्ट टू cos करना है आपको, तो अब चेंज हो जाएगा वो, तो कॉन्सेप्ट वही है, आप न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लो साइन x का, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, डिनोमिनेटर में आप cos का डेरिवेटिव ले लो, दैट्स इट। ये भी आंसर हो सकता है, या माइनस cot x भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी सवाल, ये पैरामेट्रिक के टॉपिक है, लेकिन मैंने बताया नहीं आपको, बस मैंने डायरेक्ट बता दिया कि आप ऊपर इसको डिफरेंशिएट कर दो, नीचे इसको डिफरेंशिएट कर दो, ख़त्म।